आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको नहीं पता एआई टेक्नोलॉजी क्या होता है तो उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो सेल्फ डिसीजन ले सकता है किसी भी फील्ड के अंदर। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, जब तक आप उस कंप्यूटर को कमांड नहीं दोगे तो वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, वो अपने आप काम नहीं कर सकता। पर जो एआई टेक्नोलॉजी है या एआई प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक काम कर सकता है बिना आपके डिसीजन के। अब इन फ्यूचर एआई टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होने वाला है इंडिया के अंदर, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो एक एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार है जो कि काफ़ी इंसानों की जो मदद कर सकता है, काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स की मदद कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर कैसे होने वाली है इंडिया के अंदर, तो देखिए इंडिया के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का काफ़ी विस्तार यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सेल्फ डिसीजन ले सकता है और काफ़ी हद तक ये इंसानों के तरीके से भी काम कर सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी के सबसे बड़ा डिसएडवांटेज के बारे में, क्या इसके अंदर सबसे बड़ी कमी है। देखिए, छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये बात पूरी की पूरी समझाने वाला हूँ। एआई टेक्नोलॉजी के अंदर हमने एक वैल्यू पुट करी है, मान के चलिए 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू हमने एक गिनती उसके अंदर डाली है, 1 से लेकर 10 तक। अब ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर इतनी क्षमता है कि 11 से लेकर 20 तक की गिनती, 21 से लेकर 30 तक की गिनती खुद बना सकता है, खुद सीख सकता है। तो इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या ये इंसान के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। हमने इसको काम करना सिखा दिया है इंसानों की सहायता के लिए, पर इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि ये ह्यूमन की सहायता के बजाय ह्यूमन का ही दुश्मन बन जाए, इंसानों का ही दुश्मन बन जाए। तो कहीं ना कहीं यह बात भी सच होने के कगार पर यहाँ पर आपको दिखती है। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी आपको मैंने बता दिया, ये टेक्नोलॉजी के नुकसान भी मैंने आपको बता दिए। तो इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इंडिया में कैसा होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट मुझे जरूर कीजिए क्योंकि मैं वीडियो लाता रहता हूँ आपकी डिमांड पर।